بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر होना, दूसरे
فقر وفاقة. तीसरे धंधा चल रहा था तबाह हो गया. चौथे औलाद का ना होना. ये चार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं. तहत यानी खुश्क साली, बारिश का ना होना, फकर फाका, रिश्त की तंगी. सुबह आदमी को खाने को कुछ मिल गया तो शाम का खाना मैसर नहीं, शाम को खाना मैसर आ गया तो सुबह को खाना मैसर नहीं. और तीसरे अच्छा खासा धंधा चल रहा था, हरा भरा बाग था, धंधा ही बाग ही तबाह हो गया. और चौथे औलाद जो बुढ़ापे का सहारा होती है, आदमी औलाद से महरूम है. तो बड़ी बड़ी परेशानियों में से ये चार परेशानियां सबसे बड़ी. और ये चारों परेशानियां बहुत कम लोग झेल पाते हैं. बात बात लोग तो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाते हैं, अपनी जाने गंवा देते हैं. और ये हर दौर का सुलगता हुआ मसला रहे. अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल ने इन चार परेशानियों का इलाज बता दिया कि ये चार बड़ी बड़ी परेशानियां अगर किसी को लाहिक हूं, इन चार परेशानियों में कोई मुब्तला हो तो एक नुस्खा बताया जा रहा है, उस नुस्खे को इस्तेमाल कर ले, ये चार परेशानियां उससे दूर हो जाएंगी. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद किताबुल वित्र की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत किताबुल वित्र में मौजूद है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फरजा व मिन कुल्ली ज़ीक़िन मखरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसी. रवाहु अबू दाऊद की किताबी गिफ़. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, या ये अरबी जुमले याद नहीं है तो अपनी जबान में अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगे कि ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ फरमा. जो आदमी इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़े, एक है इस्तिग़फ़ार पढ़ना और एक है इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेना. लाजिम पकड़ लेने का मतलब आदमी किसी भी हाल में है इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, चल रहा है तो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, कहीं बैठा हुआ काम काज से फारिग बैठा है इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, सोते वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ करके सोया है, जागा तो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है. इसको कहते हैं इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ना. तो जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, फायदा फायदा बताया जा रहा है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, तो अल्लाह उसके लिए हर परेशानी से
سے کشادگی پیدا کر دے گا. من کل ہم من, چاہے پریشانی چھوٹی ہو چاہے پریشانی بڑی ہو, چاہے بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ چار بڑی پریشانیاں ہوں جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا. تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے, جعل اللہ له من کل ہم من فرجا, اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے ہر اندیشے سے ہر غم سے خوشادگی پیدا کر دے گا. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا, اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. آدمی کسی بھی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا. اور ہر دور کا ایک برننگ ٹاپک ہے, سلگتا ہوا مسئلہ رہا ہے کہ آدمی پیٹ کیسے بھرے, اسے روزی کیسے ملے. حدیث پاک میں فرمایا گیا, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ استغفار کے اندر کتنی طاقت ہے, تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے, تمام تنگیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا, اور ہر دور کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے پیٹ کا, پیٹ کے بھی مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ آدمی کو اس جگہ سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں میری پریشانی دور ہو جائے, میں کسی تنگی میں مبتلا ہوں تنگی سے نکلنے کا راستہ بن جائے. بڑی تنگی اور ترشی میں فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے روزی حاصل کرنے کا راستہ کھول دے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کیمیا بتا دیا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو, تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے پیٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, تمہاری روزی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تو ہو. وہ اپنے غموں کا علاج کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے اور علاج کہیں موجود ہے. وہ علاج اپنے غموں کا ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں علاج موجود نہیں ہے, اور جہاں پہ علاج موجود ہے اس کے غموں کا وہاں وہ پہنچتا ہی نہیں, تو اس کی پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ یہ تو حدیث رہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں, صبح کو کھانے کو مل جاتا ہے مجھے اور میرے بچوں کو تو شام کو کھانا میسر نہیں ہوتا, شام کو مل جاتا ہے تو صبح کا کھانا میسر نہیں ہوتا. حضرت میں فقر و فاقہ سے پریشان ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا, استغفار کثرت سے کر, کثرت سے استغفار کر, تیرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. بوستان کا مولانا ایک واقعہ یاد آیا اسی فقر و فاقہ کا. سادی رحمت اللہ علیہ نے ایک پہلوان کا واقعہ ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ یکے مشت زن بخت روزی نہ داش, نہ اسباب شامش مہیا نہ چاش, زجور شکم دل کشیدے بپشت, کی روزی محالست خوردن بمش. کہتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا روزی کا نصیبہ نہیں رکھتا,
न अस्बाब शामश मुहैया न चाश, न तो उसे शाम के खाने के अस्बाब मुहैया थे न सुबह के, और था पहलवान। इससे पता चलता है कि रोजी की तकसीम का मामला अल्लाह के हाथ में। बड़े बड़ी कंपनियों वालों को अल्लाह तबारक व ताला थोड़ी देर में कान पकड़ करके फुटपाथ पर खड़ा कर देता, और फुटपाथ पर खड़े होने वाले आदमी को तख्तो ताज अता कर देता। قُلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। वही मालिक मुल्क है, तूती मुल्क मन तशा, जब वो बादशाहत का मालिक है, मुल्क का मालिक है, जिसे चाहे मुल्क दे दे। वह तंजुल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे मुल्क छीन ले। वह तो इज्जु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दे। वह तो जिल्लु मन तशा, जिसे चाहे जिल्लत दे। रोजी उसके हाथ में। अगर लिख दिया है उसने कि आज दिन में आदमी को 10 ही रुपया मिलेगा, उसे 10 ही रुपया मिलेगा। एक नया पैसा ज्यादा नहीं कमा सकता। रोजी की तकसीम का मामला मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। कोई ये न समझे कि मैंने आला तालीम हासिल कर ली है तो मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत से आला तालीम याफ्ता जूते चटखाते फिरते हैं फुटपाथों के ऊपर, उन्हें नौकरी मैसर नहीं है, नौकरी नसीब नहीं है। तो ये बेचारा पहलवान था, शाम को खाने को मिल गया तो सुबह को नहीं, सुबह को मिल गया तो शाम को नहीं। और जेचौरे शिकम दिल कशीदे व पुष्ट, पेट के जुल्म से बेचारा पीठ पर मिट्टी ढोता था, पीठ पर मिट्टी ढोता था। क्यों? कि रोजी मोहालस्त खुर्दन बमुश, इसलिए कि रोजी का हासिल करना ये फाइट से नहीं होता है, अल्लाह तबारक व ताला की तकसीम से मिलता है। कोई आदमी फाइट से, मुश्त से, मुश्किल फाइट, मुक्के से, फाइट से रोजी हासिल नहीं कर सकता। अपनी सलाहियत से आदमी रोजी हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह तबारक व ताला ही आदमी को रोजी देता है। आगे लिखते हैं, गहश्ती दने ऐसे शीरीन खल्क फरोमी शुदे आते तलखश बहल्क। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पड़ोसियों को अच्छा खाते देखकर, बिरयानी खा रहा है कोई, कोई भुना हुआ गोश्त खा रहा है, तो उनको अच्छा खाते देख करके, उनके ऐशो आराम को देख करके, परोमी शुदे आपे तलखश बहल्क, उसके हलक में कड़वा पानी उतरता था। और वो तमन्ना करता था कि काश जमीन कोई तरीका बताती, आसमान कोई तरीका बताता, और मेरे हाथ में कोई खजाना डाल देता। कभी आप लोग सोचते नहीं, काश के बहुत ज्यादा पैसा होता, करोड़पति होता, तमन्ना करते ही हर आदमी तमन्ना करता। तो वो ये तमन्ना करता था कि काश जमीन और आसमान कुछ ऐसा तरीका बताते कि मेरे हाथ में कोई खजाना आ जाता, और मैं भी अपने पड़ोसियों की तरह ऐशो आराम के साथ जिंदगी बसर करता। सादी आगे लिखते हैं, सुनी दम की रोजी जमीने बेकाफ्त ऐसा में जनकदा ने बोसी दरियाफ्त। मैंने सुना कि उसी पहलवान ने एक दिन एक जमीन खोदी, तमन्ना करता था कि कोई जमीन ऐसी मिल जाती कि मैं खोदता उसके अंदर से खजाना मिल जाता, कहीं से मेरे हाथ में माल उधर आ जाता। उसी पहलवान ने एक दिन एक जमीन खोदी, सुनीतम की रोजे जमीने बेकाश। मैंने सुना कि उसी पहलवान ने एक रोज एक जमीन खोदी, क्या मिला? खजाना नहीं, इजामी सनफदा ने कोसी दरियास, एक मरे हुए आदमी के जबड़े की हड्डियां पाई। उस जबड़े का नक्शा सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं खींचा कि दांतों के मोती बिखरे हुए हैं, आंख
आंखों की जगह पर सिर्फ हल्के मौजूद हैं। पहलवान ने उस खोपड़ी को देखा, उस जबड़े को देखा, ठिठक गया। साधी कहते हैं, दहां बेजबां पंद मी गुफ्त और राज कि ए खाजा बाबे मुरादी बसाज, बगैर जबान वाला मुंह भेद और राज कहता था, हिकमत और भेद कहता था कि ए पहलवान अल्लाह जिस हाल में तुझे रख रहा है उसी हाल से मुआफ़त कर, उसी हाल में रह, जिस हाल में अल्लाह तुझे रख रहा है उसी हाल में रह। नई रस्त हाल दहन जेर गिल शकर खुर्दानदार या पुनदी, क्या हर मुंह का हाल मिट्टी के नीचे यही नहीं है, चाहे बिरयानी खाया हुआ मालूम कर या खून दिल किया हुआ। आदमी अगर फाके से मर गया है उसके जबड़े का भी मुंह का हाल यही होने वाला है, और जो शक्कर खा करके बिरयानी खा करके मरा है उसके भी जबड़े का हाल यही हो जाने वाला है। नहीं न हाल दहन जेर गिल शकर खुर्दानदार या खून दिल, क्या यही नहीं है हर मुंह का हाल मिट्टी के नीचे, शक्कर खाया हुआ मालूम कर या खून दिल किया हुआ। आदमी अगर फाके से भी मर गया है उसके मुंह का हाल मिट्टी के नीचे यही हो जाने वाला है, और बिरयानी खाने वाले आदमी के मुंह का हाल भी यही हो जाने वाला है। हम लोगों का मुंह भी ऐसे हो जाता, ऐसे ही हम लोगों का जबड़ा हो जाता जैसा जबड़ा उस आदमी का उस पहलवान ने देखा, चाहे बिरयानी खाकर मरे चाहे भूखे मरे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आदमी आया और कहा कि हजरत फकर फाका से परेशान हूं, रोजी की जरा तंगी है। हजरत ने फरमाया, रोजी की तंगी दूर करना है तो इस इस्तिगफार को लाजिम पकड़, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी चाह। फिर एक शख्स और आया, ताकि हजरत औलाद नहीं बुढ़ापे की लाठी चले, बड़ी तमन्ना है कि कोई औलाद हो जाए। हजरत ने फरमाया, इस्तिगफार को लाजिम पकड़। एक आदमी आया, कहा कि हजरत ठंडा अच्छा खासा था तबाह हो गया, कहा कि इस्तिगफार को लाजिम पकड़। एक आदमी आया, कहा कि हजरत बाग था बाग सूख गया है, दरख्तों ने फल देना छोड़ दिया है, कहा इस्तिगफार को लाजिम पकड़। लोगों ने पूछा कि हजरत मसाइल मुख्तलिफ है, इलाज एक ही आपने बताया, क्या वजह है? कहा कि ये इलाज मैंने नहीं बताया है, ये इलाज अल्लाह ने बताया है, और सूरह नूह के अंदर वही इलाज मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने यही फरमाया कि देखो एक काम कर लो, एक नुस्खा दे रहा हूं, वो नुस्खा अगर तुम इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। आखिरत तो बन ही जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी। इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम, दीन जो अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए इंसानियत तक भेजा है, सिर्फ उसमें आखिरत ही का फायदा नहीं है, बल्कि दीन पर चलने की वजह से आदमी को दुनियावी फायदा भी मिलता है। ये मालूम है, हजरत ने फरमाया, बस मैंने कहा, हजरत नूह फरमाए, मैंने अपनी कौम से कहा, क्या कहा? इस्तग़फिरु रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो, मगफिरत मांगो, बख्शिश तलब करो अल्लाह से, इस्तिगफार करो। इस्तग़फिरु रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो, इन्नहु काना गफ्फार, बेशक वो मगफिरत करने वाला है। फायदा, पहले दुनिया भी फायदा बताया जाए, क्या? युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा, वो आसमान से तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। अल्लाहु अकबर, बारिश क्यों रुकी रहती है? इसका मतलब यह कि लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से नहीं मांगते। यह आयत करीमा बता रही है कि गुनहगार जब तक अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता बारिश रोक ली जाती है। यही वजह है कि आदमी को हुक्म दिया जा रहा है, मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि बारिश रुक जाए तो नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए बाहर निकलो और हाथ को इतनी ऊंचाई पर उठाओ कि बगले दिखाई देने लगे।
दूत का। तो बाद लोगों ने तो ये कहा कि इस तरह हथेली उलट करके अल्लाह से दुआ करो। बाद लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हथेली सीधी रखो लेकिन इतनी ऊंची कर लो कि ऐसा लगे जैसे पुश्त जो है कफ बन गई, हथेली की पुश्त हथेली का पेश बन गई है। अल्लाह से दुआ मांगो, फटे पुराने कपड़ों में निकलो, औरतों को ले जाओ, जानवरों तक को ले जाओ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाल पर रहम करे और अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाए। एक अजीब बात आपको बताऊं, साहिबे तफसीर इब्ने कसीर अल्लामा इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब व गरीब वाकया तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि एक मरतबा तहत पड़ गया, मदीना के लोग उस तहत से बहुत परेशान हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, कहा कि हजरत क्या किया जाए। कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया वही इलाज किया जाए, परेशानियों का इलाज कुरान और सुन्नत में मौजूद है, हर परेशानी का इलाज कुरान और सुन्नत में मौजूद है, इससे बाहर नहीं है। आज जो हम मुसीबतों में मुब्तला हैं कुरान और सुन्नत से बाहर हो जाने की वजह से, थोड़ी सी तकलीफ हुई इस्तिगफार नहीं करेंगे, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे, इस बाबा के पास जा रहे हैं तो उस बाबा के पास जा रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, अरे मुसीबत तो तुमने घर में पा रखी है, अगरबत्ती सुलगाने से कुछ होने वाला है? एक तो तुम मुसीबत में फंसे हुए हो, दूसरे उस मुसीबत को और बढ़ा रहे हो, उस मुसीबत में इजाफा कर रहे हो, वो बाबा तुम्हारा माल समेट रहा है, बाबा तुम्हारा माल समेट रहा है। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तहत का इलाज तो शरीयत मोहम्मदिया में मौजूद है, चलो नमाज इस्तिस्का के लिए निकलो और एक ऊंची जगह पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने खड़े हुए और खाली कुरान हकीम की इस्तिगफार की सारी आयतें पढ़ ली और उतर गए। ये अजीबोगरीब इस्तिस्का का अंदाज था, पानी मांगने का अंदाज, कि कुरान में जितनी आयतें इस्तिगफार की थी, जिन आयतों का ताल्लुक मगरब से था, तमाम आयतों को उन्होंने पढ़ा और उस ऊंची जगह से नीचे उतर गए। से पता चलता है कि इस्तिगफार में तमाम परेशानियों का इलाज मौजूद है। तो हजरत नूह अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, तुम अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। क्या करेगा वो इस्तिगफार करने पर, फायदा क्या होगा इस्तिगफार का, बताया गया, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, तुम्हारे ऊपर अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे जानवरों का मसला हल हो गया, तुम्हारी खेती का मसाला हल हो गया, तुम्हारे माहौल का मसाला हल हो गया। इसलिए कि गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, बीमारियां भी उतनी ज्यादा रफ्तार से बढ़ती चली जाती हैं। तो तुम्हारे माहौल का मसाला हल, तुम्हारी खेती का मसाला हल, तुम्हारी मवेशियों का मसाला हल। और आगे फरमाया, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, और इस्तिगफार अगर करोगे तो एक फायदा और, अल्लाह तुमको मालों के साथ इमदाद करेगा। देखो यहां माल नहीं है, कुरान करीम में एक जगह माल भी है लेकिन यहां माल की जमा है अमवाल, माल माने एक माल और माल की जमा अमवाल, बहुत सारे माल। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम इस्तिगफार करोगे तो माल नहीं अमवाल दिए जाएंगे, बहुत सारे माल। वयुम्दिदकुम बि अमवाल, तुम थोड़ा माल मांग रहे ना, हम बहुत सारा माल तुमको अता करेंगे। ये दूसरा फायदा इस्तिगफार का। तीसरा फायदा, वो बनी, अगर शादी के बाद दो चार साल बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आदमी को शक होने लगता है, ये शक बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी बला है, ये शक आदमी के अकीदे को तबाह कर देता है, किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा बीवी के ऊपर,
घर पे कुछ ना कुछ किया होगा। शैतान ऐसे मौके पर आक्रमकता है, आदमी मुसीबत में मुब्तला रहता है ना, शैतान आदमी के ईमान को झपटने के लिए वहां मौजूद होता है कि अब वक्त आ गया है आदमी के ईमान की रोशनी छीन लो। तरह तरह के वसवसे में मुब्तला करता है। अरे दुकान अच्छी खासी चल रही थी, दुकान का चलना बंद हो गया, किसी ने कुछ कराया है, अब क्या करना। हाँ फला बाबा कह चलो, वहां उनके पैर पड़ो, वहां कुछ चनादी चढ़ाओ, वहां कुछ नजराने पेश करो, कब्र के ऊपर वहां चद्दर चढ़ा दो, बकरा जबा करो। आदमी ये सब काम करता है और ईमान की दौलत गवा करके वापस आ जाता है। यहां इस्तिगफार करने के लिए कहा गया, एक सादा नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, सादा नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम इस्तिगफार करोगे तो आसमान से मूसलाधार बारिश होगी, एक फायदा। वही उन्दिन कुंभी अमवाल, मालों के जरिए अल्लाह मदद करेगा, माल नहीं अमवाल देगा। तीसरे को बनी, एक लड़का नहीं बहुत सारे लड़के दे, इब्न माने बेटा जमा बनी, बेटे देगा, तीन फायदा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे बागात को सैराब करने के लिए नहरों का इंतजाम कर देगा। सारे मसाइल का हल मौजूद, लेकिन इस्तिगफार नहीं करेगा आदमी। अगर बत्ती सुलगाने के लिए तैयार रहेगा, इस्तिगफार करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अगर आप अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, कितनी ही अगर बत्ती सुलगाओ कुछ होने वाला नहीं है, लिख लो, सर पटक डालो। एक बाबा नहीं, दुनिया के तमाम बाबाओं के पास चले जाओ, तुम्हारी परेशानी कभी भी हल नहीं हो सकती। नोट डाउन, नोट इट डाउन, लख लो इसको, लिख लो इसको। इसलिए कि कुरान हकीम में जो इलाज बयान किया गया है वो इलाज तुमने छोड़ दिया है। अगर बत्ती सुलगाने से कुछ भी नहीं होता, किसी दर पे जाने से कुछ भी नहीं होता, सिवाय इसके कि तुम दौलत ईमान गवा कर वापस आ जाओ। क्या चाहिए आपको? बारिश चाहिए, इस्तीफा करो। क्या चाहिए? माल चाहिए, इस्तीफा करो। क्या चाहिए? बेटे चाहिए, इस्तीफा करो। और क्या चाहिए? बाहर चाहिए, इस्तीफा करो। नहरें चाहिए, इस्तीफा करो। और यही तकरीर तो हजरत हूद ने अपनी कौम के सामने, कौम आद के सामने की। बड़ी मजबूत कौम थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकरीर को 12वें पारे सूरह हूद के अंदर नोट फरमाया, नकल फरमाया। मैं वो तकरीर पेश कर देता हूं आपके सामने। अल्लाह फरमाता है وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُجْرِمِينَ الله أكبر। और आग की तरफ हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सबसे पहले यह अकीदा अपने दिल के अंदर जमाओ। कहते हैं कि मैंने अपने घर के अंदर ये देखा, बीवी ये देख करके डर गई, घर के अंदर बेबरकती नजर आ रही, तो मौलाना क्या किया जाए? मौलाना से क्या पूछते हो? कुरान से पूछो। मौलाना से पूछने इसलिए आए हो ताकि मौलाना तुम्हें सनद जवाब फराहम कर दे इस बात पर कि किसी भी तरीके से बाबाओं के पास जाने की इजाजत दे, बाबाओं के पास जाने की छूट दे दे। जबकि रसूल की सुन्नत मौजूद है कि घर में जब सूरह बकरा पढ़ी जाती रहे तो उस घर के अंदर शयातीन नहीं रहते। तुम जब शयातीन को खुद घर में घुसा लोगे तो बेबरकती नहीं आएगी। शैतान को तुमने खुद घुसा लिया है। रहमान का जिक्र तो होता ही नहीं है, शैतान वहां तो घुस ही जाएगा। अल्लाह फरमाता है वमन याशु अन ज़िक्री रहमानी नुकय्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु करीम। और आदमी जब जिक्र रहमान छोड़ देता है तो हम उसके पीछे एक शैतान लगा देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। अब देखो घर से रहमान का जिक्र गायब, शैतान हाजिर। अल्लाह का जिक्र बाहर, शैतान दाखिल। अल्लाह का जिक्र खास।
तुमने जब खुद ही शैतान को इनवाइट कर लिया है, इनविटेशन कार्ड दे दिया है कि भाई हमने अल्लाह के जिक्र को घर से बाहर निकाल दिया है, आप आइए तशरीफ लाइए, तब वो पूरे साजो सामान के साथ घुसेगा। वो अल्लाह फरमाता है अकेला नहीं घुसता, वो साजो सामान के साथ घुसता है। अल्लाह फरमाता है वस्तफसिस मन इस्तफा अमिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजलिका वशारिकहुम फिल अमवाल वलौलाद ममा यईदुहुम शैतानु लगुरूरा। और चढ़ दौड़ तू, रहमान का जिक्र निकला घर से, तो अब अल्लाह फरमाता है चढ़ जा वह अजलिब अलैहिम बिसौतिका, अपनी आवाज खींच लेगा, ले जा अपनी आवाज अंदर। वह रजलिका, अपने पियादों को ले जा, अकेला मत जा, अपने साथ अपने पियादों को, पियादे जानते हैं लश्कर का कमांडर होता है, पीछे जो पैदल पलटन होती है, पलटन ले जा। और वह शारिकुम फिल अमवाली वल औलाद, अरे शरीक हो जाए घर के माल में और औलाद में। औलाद पढ़ने पर तैयार नहीं, औलाद नाफरमान घूम रही है, माल में बेबरकती है। कुरान कहता है शैतान शरीक हो गया तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद के अंदर, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार कैसे रह सकती है और तुम्हारे माल में बरकत कैसे आ सकती है। शैतान को तुमने इनवाइट कर लिया हुआ है, शैतान को तुमने घुसा लिया हुआ है, शैतान तुम्हारे माल में शरीक हो गया है, शैतान तुम्हारी औलाद के अंदर शरीक हो गया है। अगरबत्ती सुलगाते घूम रहे इस मजार को, इस मजार को अल्लाह ये इसे इस्लामी घर कहते हैं, इस्लामी मुआशरा कहते हैं। किसी घर से सुबह के वक्त कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, रात में किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, शैतान नहीं घुसेगा जब शैतान की आवाज मौजूद है वहां। अगर बत्ती सुलगाते फिर रहे, मौलाना से इलाज पूछ रहे, अरे मैं मौलाना से क्या इलाज पूछ रहे हो, मौलाना से नहीं कुरान हकीम से इलाज पूछो। कुरान हकीम ने कितनी अच्छी और एक बातें कह दी है, वस्तफ़िज मन इस्तता'ता मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका, अपने पियादों के साथ, अपने घोड़सवारों के साथ दाखिल हो जा। वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, और माल में शरीक हो जा और औलाद में शरीक हो जा। औलाद में शरीक हो गया औलाद नाफरमान हो गई, माल में शरीक हो गया माल में बेबरकती, कमाता जा रहा है पूरा ही नहीं पड़ रहा है, हाय हाय करता जा रहा है, लाखों कमा रहा है तो हाय हाय, 20 रुपया 50 रुपया कमा रहा है तो भी हाय, इसलिए कि बरकत खत्म हो गई। आदमी की सोच उल्टी है, वो क्या समझता है, मेरी रोजी मेरी दुकान देती है, मेरी रोजी मुझे मेरा कारोबार देता है, मेरी रोजी मुझे जमीन से मिलती है, यही तो गलत तसव्वुर है। अल्लाह फरमाता है वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है। अब जनाब अली तुम्हारा तो अकीदा बना हुआ कि जमीन पर रोजी है, कहां मिली। अल्लाह फरमाता है वफिस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारी रोजी है, और तुमने अकीदा क्या बना लिया है, तुम्हारी दुकान रोजी देती है, आसान होती रहती है, दुकान पर बैठा रहता, गप्पे मारता रहता, अकीदा है ना, कारोबार में फंसा हुआ। मौलाना कारोबार को नमाज में आने की फुर्सत ही नहीं दे रहे, बताइए। कहीं एक अजीबोगरीब कॉल लिखा हुआ देखा, बड़ा पसंद आया, शायद आपने भी पढ़ा हो। उस मकूले को आपके जहन में ताजा कर दूं, नमाज से मत कह कि मुझे काम करना है, नमाज से मत कह कि मुझे काम है, काम से कह कि मुझे नमाज पढ़नी है। ये नमाज से मत कह कि मुझे काम है, काम से कह कि मुझे नमाज पढ़नी है। तरजीहा ही उलट गई है, तसव्वुर ही गड़बड़ हो गया, उलट गया है। तो बरकत हमारे घरों में, बरकत हमारी औलाद में, बरकत हमारे मालों में आए तो कैसे आए, हर चीज पर तो शैतान का कब्जा हो गया है। अब बीवी घर में डरेगी नहीं, बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चे परेशान नहीं होंगे जब पूरा घर शयातीन से भर लिया है आपने, और
باباؤں کے گھر پر جانے سے مسئلہ اور رستہ چلا جاتا ہے. مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا, مسئلے کا حل یہاں موجود. استغفار, پلٹو اپنی زندگی کی روش کو, بدلو اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف پلٹو. اسی کا نام توبہ ہے, اسی کا نام استغفار. آدمی کیا چاہتا ہے؟ مجھے قوت ملے, طاقت ملے, اس لیے کہ طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے طاقت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی ہے, کیا؟ استغفار اور توبہ. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا عن المجرمین. استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا موسلہ دھار, اور تمہاری قوت میں قوت پیدا کرے گا, تمہاری قوت کو بڑھاتا رہے گا. اور قوت ہی سے طاقت سے جنگ جیتی جاتی ہے, اور طاقت کا سرچشمہ, طاقت کا منبع کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. اب فرق بتا دوں میں, استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں, اس لیے کہ یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, کیا توبہ اور استغفار الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں, نہیں. جیسے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر کسی جگہ اسلام ذکر کیا گیا ہو, ایمان کا تذکرہ آگے نہ ہو, تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے. اور کہیں ایمان کا تذکرہ ہو, آگے اسلام نہ مذکور ہو, تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے. ہاں, اگر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں, ایمان اور اسلام دونوں, تو ایمان کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق دل سے ہے, اور اسلام کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق آدمی کے اعضا سے ہے. یہ فرق ہو جائے گا. ایسے ہی جہاں خالی استغفار ہو وہاں توبہ داخل رہے گا استغفار میں, اور جہاں خالی توبہ ہو توبہ کے اندر استغفار داخل رہے گا. لیکن اگر استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں, تو استغفار کا مطلب اور ہوگا اور توبہ کا مطلب اور ہوگا. کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا کہ ماضی میں جو شر ہم نے کیا ہے, جو برائی ہم نے کی ہے, اے اللہ ماضی کے اندر مجھ سے جو برائی ہو گئی ہے, پاسٹ میں جو برائی ہو گئی ہے, اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ مطلب ہوگا استغفار کا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ آگے جو کوئی برائی ہو جائے تو اے اللہ اس برائی کی سزا سے مجھے محفوظ رکھنا. گویا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہو جائے گا اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یعنی ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا, یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں. لیکن اگر اس جگہ پر خالی استغفار کا تذکرہ ہو تو توبہ بھی اس میں داخل رہے گا, اور اب توبہ خالی ہو تو وہاں استغفار بھی داخل رہے گا. یہ تھوڑا فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا, من رقیب پری پر, ایک آدمی سوار ہو کر کے ایک راستے پر چلا, اور راستہ کیسا ہے؟ یو ادی لہلا کے, اس راستے پر آگے چل کر کے کھائی ہے, اس کھائی میں گر جائے گا. یا ولا توسلو المقصود, منزل مقصود تک وہ راستہ نہیں جاتا. میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو میری منزل پر نہیں جاتا, میری منزل تک وہ راستہ نہیں جاتا, میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر چلتے ہوئے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ ایک آدمی بتاتا ہے, ارے بھائی تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں کرنول جا. بولے کرنول کا راستہ نہیں ہے, یہ تو رائچور کا راستہ ہے, تو الٹا آ گئے. تم کو بالکل عین اپنے اپوزٹ میں جانا ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے, تم غلط راستے پر جا رہے ہو, یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جانا. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کی باگ کو موڑتا ہے اس راستے سے. اس مڑنے کا نام توبہ ہے. اور رائچور کے راستے پر لگ جاتا ہے, جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے, اس کو استغفار کہتا ہے. یہ مطلب ہے توبہ اور استغفار. تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا, پلٹنا, اور استغفار کا مطلب اس راستے پر لگ جانا جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے.
इसी वजह से तौबा का मतलब होता है अरजू, अरजू लौटना, किस तरफ, इल्लाह अल्लाह की तरफ लौटना, गुनाहों के रास्ते से पलट करके अल्लाह की ताक की तरफ जाना, इसका नाम तौबा है। तो तौबा का मतलब भी समझ में आ गया और इस्तिग़फ़ार का मतलब भी समझ में आ गया। उस मिसाल को जहन में रखिए तो तौबा और इस्तिग़फ़ार का फर्क आपके जहन में बिल्कुल वाज़ह हो जाएगा। आदमी तरह तरह की मुसीबतों का जिक्र करता है, फला जगह फला मकाम पर मुसलमानों के ऊपर यह मुसीबत आई, फला जगह मुसलमानों के ऊपर यह अज़ाब आया। अल्लाह फरमाता है एक काम करते रहते तो काय को अज़ाब आता, एक काम करते रहते तो काय को अज़ाब आता। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, अल्लाह को क्या पड़ी है कि उनको अजाब दे रहे जब वो इस्तिग़फ़ार करने वाले हो। इसका मतलब है कि ऐसे मकाम पर अल्लाह का अजाब आता है जहां के लोग इस्तिग़फ़ार करना छोड़ देते हैं, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगना छोड़ देते हैं, गुनाहों पर गुनाह किए चले जाते, अल्लाह की तरफ पलटते नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं करते। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगना, इसी का नाम इस्तिग़फ़ार है। तो गुनाहों पर गुनाह किए चले जाते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, इसी वजह से अल्लाह ऐसे मकाम के ऊपर अज़ाब भेज देता है। इसलिए कि आयत करीमा बता रही है वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, अल्लाह को क्या पड़ी है कि उनको अजाब दे जब वो इस्तिग़फ़ार करने वाले हों, यानी जब वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों तो अल्लाह उनको अजाब नहीं देता। लिहाजा अल्लाह के अजाब से अगर बचना है तो नुस्खा बताया गया इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं और तौबा से बड़ी कोई नेकी नहीं, ये याद रखना, ये इब्न तैमिया अलैहि रहमतुल्लाह का कौल कि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं और तौबा से बड़ी कोई नेकी नहीं। तौबा ऐसी नेकी है के ये तमाम गुनाहों की माफी का परवाना बन जाता है। तौबा की वजह से आदमी के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी नेकी है तौबा। मशहूर हदीस आप सुनते रहते हैं, मुस्लिम शरीफ किताब तौबा की एक हदीस है जिसमें एक वाकया बयान किया गया है कि एक आदमी था मन कतल तिसईन नफ्सन, जिस आदमी ने 99 आदमियों का मर्डर किया हुआ, कितने आदमियों को मारा था, 99 आदमियों को कत्ल किया था, जबकि शरीयत मोहम्मदिया में कत्ल से बड़ा और कोई गुनाह नहीं। एक आदमी के कत्ल को कुरान पूरी इंसानियत का कत्ल मानता है, यानी कत्ल इतना बड़ा जुर्म है, एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इस आदमी ने 99 कत्ल किए थे। एक मौलवी साहब के पास गया, अजीब बात है कि वहां पर आलिम का लफ्ज नहीं है, वहां फदुल्ला आला राहिबिन, एक बाबा के पास भेज दिया गया, राहिब बाबा, कई खानकाह में बैठा हुआ उल्टा पलटा वजीफा पढ़ने वाला, खाली दुकान खोल करके बैठ गए, इनको हटा जाता कुछ भी नहीं, धंधा धंधा फदुल्ला आला राहिबिन, एक बाबा के पास उसे भेज दिया गया। राहिब आया, कहा कि मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, फहल्ली मिन तौबा, मेरे लिए तौबा है, कि नहीं, तूने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं कि इन गुनाहों के ऊपर तौबा ही नहीं। जाहिल था ना, गलत मसला बताया, सूफी था, मसला मालूम नहीं था, लिहाजा इस जहालत की सजा भी उसको मिल गई। फौरन इस आदमी ने तलवार निकाला, कहा कि 99 कत्ल किए हैं तो अब एक कत्ल और सही, बाबा को भी साफ कर दिया। क्या कहते हैं उसको, फिनिश ही मॉफ, क्या किया,
finished him off. गर्दन उड़ा ली, सौ की आदत पूरी कर ली, परेशान परेशान फिर रहा है, क्या करना, तौबा तो है ही नहीं. फतुल्ला आला रजुलिन आलिमिन, यह हदीस का अल्फाज है. एक आलिम आदमी के पास उसकी रहनुमाई की गई कि बाबा से मसला पूछा था ना, गलत मसला बयान किया, कत्ल कर दिया गया. आलिम आदमी के पास जा, गया कहा कि हजरत मैंने 99 कत्ल किए थे, एक आदमी आपकी कैटेगरी का था उसको भी साफ करके आ गया. अच्छा मेरी कैटेगरी का, बोले हाँ वो वजीबा वजीबा कुछ पढ़ता रहा था, हाँ मार दिया मैंने. कहा कि वो खानकाह में बैठने वाला, अरे वो आलिम कहा है. आलिम का मतलब है जो शरीयत को पढ़ा हुआ और शरीयत जानता हो. खाली दुकान के अंदर बैठ जाने से, एक कबर बना करके, एक गुजरा बना करके उसमें बैठ जाने में कोई आलिम हो जाता है, ठीक है, उसको उसके गलत फतने की सजा मिल गई. क्या पूछना है? कहा कि उसको कत्ल करने के बाद 100 की तादाद पूरी हो गई, अब पूछना यह है फहल्ली मिन तौबा, 100 आदमियों का कातिल हूं मैं, मेरे लिए तौबा है? हम भी तेरे लिए तौबा है. वो मैं यहूद बैनल मरने व तौबत ही, कौन सी चीज आदमी के दरमियान और उसकी तौबा के दरमियान हायल हो सकती है? अल्लाह अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई चीज हाथ हायल नहीं हो सकती. अब भी तेरे लिए तौबा है, तौबा कर ले और देख जिस सरजमीन में तू रह रहा था, बुरी सरजमीन, अब वहां मत रहे. इन इला अर्ज कदा कदा, फला गांव में चला जा, वहां अच्छे लोग रहते हैं, उनके साथ इबादत में लग जा. इससे एक नुकता ही मालूम हुआ कि बुरे लोगों की सोहबत नहीं इख्तियार करनी चाहिए, इसलिए कि आदमी बुरी सोहबत में बैठ करके बुराई का असर कबूल कर लेता है. कभी भी बुरे आदमी को अपना हम नशीन, अपना साथी, अपना दोस्त, अपना मुसाहिब नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि आदमी की तबीयत अल्लाह ने इस तरह बनाई है कि वो माहौल का असर कबूल करता है. जहां गर्मी ज्यादा होती है आदमी के मिजाज गर्म होते हैं, जहां का माहौल सर्द होता है आदमी का मिजाज सर्द होता है, और जहां का माहौल पथरीला होता है आदमी का मिजाज भी पत्थर जैसा हो जाता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां भेजा गया था? ऐसे लोगों के दरमियान जो पत्थरों के दरमियान रहते थे, और ऐसे पत्थर के लोग थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, इतने पत्थर दिल थे. अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे संग दिल लोगों के पत्थर दिलों को मोम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था. तो आदमी माहौल से असर लेता है. सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, गुलसेता उनकी एक किताब है फारसी के अंदर. दे गिले खुशबूए दर हम्माम रोजे रसी दस दस्ते महबूबे बदस्तम बदू गुफ्तम की मुश्की या अबीरी की अजबूए तिलावे से तू मस्तम बुगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बाबू लशस्तम जमाले हम नशी दरमन अखर कर वगरना मन गुमा खातम की हस्तम. हजरत सादी फरमा रहे कि मैं एक दफा अपने दोस्त के यहां गया, पहले साबुन जो आज नए नए हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये साबुन वाबुन उस दौर में कहां थे, लोग कुछ खास किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करते थे नहाते वक्त. कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे नहाने की जरूरत है, बताया कि ये मिट्टी का साबुन लो और हम्माम में चले जाओ. जब मैं अंदर हम्माम में उस मिट्टी को लेकर के पहुंचा और पानी बदन पर गिराने के बाद मैंने उस मिट्टी को अपने बदन पर मलना शुरू किया, तो मिट्टी से एक अजीबोगरीब खुशबू निकलने लगी. मैंने पूछा उस मिट्टी से जिसको मैं साबुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, मिट्टी से मैंने पूछा बदू गुफ्तम कि मुश्की या अबीरी, मैंने उससे पूछा कि तू मुश्क है या अबीर है, कि अजबूए दिलावे से तू मस्तम, कि मैं तेरी दिलावे खुशबू से मस्त हो गया हूं, तू
मिट्टी है तेरे अंदर, खुशबू कहां से आई? वो गुफ्ता मन के लिए नाचीज कूदम वलेकिन मुद्दते बाबुल नशस्तम। मिट्टी ने कहा कि मैं एक फकीर मिट्टी थी लेकिन एक मुद्दत तक फूल के साथ रही हूँ। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मनहुमा खाकम की हस्तम। मैं मिट्टी थी लेकिन एक अरसे तक मैं फूल के साथ रही हूँ। मेरा मेरी दोस्त जो फूल वो फूल था मैं उसकी हमनशीनी में रही हूँ। और जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मनहुमा खाकम की हस्तम। मेरे दोस्त के हुस्न ने जमाल ने मेरे अंदर असर कर दिया है वरना मैं तो वही मिट्टी की मिट्टी हूँ। इससे उन्होंने साबित यह करना चाहा है कि मिट्टी अगर फूल की सोहबत में रहे तो खुशबूदार बन जाती है, यानी हर चीज अपने माहौल का असर कबूल करती है। यह हदीस बता रही है कि पूरे लोगों की सोहबत में नहीं रहना चाहिए। आलिम ने यह कहा कि चला जा इन तलिक इला और कदा व कदा, चला जा फला सरजमीन की तरफ, वला तर्जे इला अर्जिक अपनी जमीन की तरफ मत लौट, फइन्नहा अर्ज सुइन वो बुरी जमीन है, बुराई का असर तेरे ऊपर आ जाए, अब उधर मत जा, अच्छी जमीन की तरफ चला जा। बेचारा उस रास्ते की तरफ चला, रास्ते ही में उसकी मौत का परवाना आ गया ऊपर से। अजाब के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि हम इसकी जान निकालेंगे, हम इसकी रूह ले जाएंगे, और अजाब के फरिश्तों ने कहा कि हम इसकी रूह ले जाएंगे, और दोनों ने दलीलें पेश की। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि हम इसकी रूह ले जाएंगे, दलील यह है कि यह तौबा कर चुका था। और अजाब के फरिश्तों ने कहा हम ले जाएंगे इसलिए कि अभी तो इसने कोई नेकी नहीं की है। अब दोनों कर रहे हैं, दोनों की दलील बड़ी मजबूत है, दोनों बड़ी मजबूत दलीलें दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा इंसान की शक्ल में, कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं फैसला कर दूं। कज़िया क्या है? उन्होंने बयान किया, कहा कि ऐसा है कि जमीन नाप लो, जहां से ये चला है और जिस सरजमीन की तरफ जा रहा था इसके गांव का और उस अच्छे गांव का फासला नाप लो, जिस सरजमीन की तरफ ज्यादा करीब हो वही फरिश्ते ले जाए। नापा गया तो वो आदमी उस नेकों की सरजमीन की तरफ थोड़ा सा आगे था, लिहाजा रहमत के फरिश्तों से ले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर रहम किया, कहते मरते वक्त वो अपने सीने के बल घिसटता आगे जा रहा। इस तरह जज्बा पैदा होना चाहिए आदमी के अंदर बुरी जगह से भागने। आदमी मरते वक्त पेट के बल आगे की तरफ घिसटता था, ऐसा हदीस का अल्फाज था। इसको कहते तौबा, कि कभी आदमी बुराई की तरफ पलट करके ना देखे। इसमें तौबा का तरीका भी बता दिया गया है कि तौबा किस तरह किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करता है, और कुरान में है कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबा अन इबादिही, बेशक अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है। शर्त यह है कि तौबा के तमाम शराइत मौजूद होने चाहिए। और अजीब बात तो यह है कि अल्लाह ने उन लोगों को खिताब करके फरमाया जिन लोगों का ईमान पहाड़ों के बराबर था, जिनके सब्र को कुरान में जरबुल मसल के तौर पर बयान किया गया है, जिनका ईमान जिनका एतकाद पहाड़ों जैसा था, उनको खिताब करके फरमाया जा रहा है वह तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मोमिनून। अय्युहल मोमिनून सूरत कुरान के पहले मुखातबी में साहबे किराम तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो ऐ मोमिनो, ऐ सहाबा, अल्लाह हू अकबर, ऐसे लोगों से कहा जा रहा है जिन्होंने सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। जिससे पता चलता है कि तौबा कितनी अहम शय, तौबा कितनी अहम शय। और फरमाया गया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तुफ्लिहून कह करके अल्लाह तबारक व तआला ने दर हकीकत फलाह को मुअल्लक किया तौबा के ऊपर, यानी फला यर्जुल फलाह इल्ला ताइबुन, ताइब ही तौबा करने वाला ही उम्मीद रखे कामयाबी की, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आदमी तौबा नहीं करता अपने गुनाहों से तो वो कामयाबी की उम्मीद न रखे। लअल्लकुम तुफ्लिहून से यही मुस्तफाद हुआ कि फला यर्जुल फलाह इल्ला ताइबुन, ताइब
भाई भी तौबा करने वाला ही ये उम्मीद करे कामयाबी की, दुनिया में कामयाब होना है तो तौबा इस्तिगफार करे और आखिरत में कामयाब होना है तो तौबा इस्तिगफार करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है जिसे हजरत इमाम इब्न माजा शरीफ में और ये रिवायत तिर्मिज़ी में भी मौजूद है। रिवायत इस तरह वान इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा قال ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مره। حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مجلس میں ایک جگہ جب بیٹھتے تھے تو اٹھنے سے پہلے ہم لوگ گنتے تھے کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے 100 مرتبہ کیا ربی اغفر لی وتب علی اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ میری توبہ قبول فرما دیکھیں استغفار اور توبہ ربی اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے وتب علی میری توبہ قبول فرما انک انت التواب الغفور بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا کتنی مرتبہ نہیں کرتا مرتبہ ایک مجلس میں یہ دعا 100 بار پڑھتے تھے اس میں استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ اللہ اکبر। आप एक अजीब बात सुनेंगे गुनहगार भी बड़ा अच्छा होता है अल्लाह की निगाह में नहीं गुनाह करने वाला भी बड़ा अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है ऐसा गुनहगार भी अच्छा होता है क्या हदीस रिवायत इस तरह वान अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه ابن ماجه یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ترمذی میں بھی حضرت انس بن مالک سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے خطا ہو جاتی ہے وہ خیر الخطائین और सबसे अच्छा गुनहगार सबसे अच्छा गुनहगार गुनहगार भी और अच्छा है सबसे अच्छा गुनहगार कौन सा अत्तवाबून तौबा करने वाला अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है तौबा बहुत पसंद है तौबा से जानते हैं अल्लाह कितना खुश होता है बंदा गुनाह पर गुनाह किए चला गया और फिर अब तौबा करना चाहिए डर गया अल्लाह से है अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है अल्लाह क्या करूं नदामत का एहसास लिए हुए वो पलटता है जब तौबा करता तो जानते हैं अल्लाह कितना खुश होता है। सही हदीस है मुस्लिम की बुखारी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बंदे की तौबा से जानते हो कितना खुश होता है। एक मिसाल से समझाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक आदमी एक ऊंट पर सवार होकर के एक सहारा को कटा कर रहा है एक जंगल को एक बयाबान को कटा कर रहा है और उसी ऊंट के ऊपर उसका तोशा मौजूद है उसके कपड़े भी हैं पानी भी मशक में मौजूद है एक जगह एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए ठहर जाता है आंख लग जाती है जब बेदार होता है तो ऊंट गायब होता है अब परेशान सामने लखों तक सहारा है खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं खपा जाता है रोने लगता है थोड़ी देर तक ऊंट को तलाश करता है ऊंट नहीं मिलता रोने लगता है जारों कतार होता है अब मैं इस लखो तक सहारा के अंदर बगैर खाने और पीने के मर जाऊं अब मैं नहीं बच सकता रोते रोते हदीसे पाक में है कि उसे नींद आ जाती है और उसे अपनी मौत का यकीन हो जाती है और जैसे ही बेदार होता है सामने ही उसका ऊंट मां तोशे के पानी के मौजूद रहता है जिसको वो सोने से पहले रोने धोने से पहले बहुत दूर तक ढूंढ चुका था और ऊंट नहीं मिला था जब बेदार हुआ तो देखा ऊंट के ऊंट उसके सामने फौरन मारे खुशी के उसकी जबान से ये अल्फाज निकलते हैं ए अल्लाह मैं तेरा माबूद हूं तू मेरा बंदा है अल्लाह को बोलता है अल्लाह को क्या बोलता है ए अल्लाह मैं तेरा माबूद हूं तू मेरा बंदा है और ये सुनकर के अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुरा पड़ता है। इससे एक नुक्ता मालूम हुआ कि बेख्याली में अगर कोई गलत बात जबान से निकल जाए तो उस पर गिरफ्त नहीं होती चाहे वो बात कितनी ही सख्त क्यों ना मानी जाती है अगर इत्तेफाकन जबान से आदमी की कोई बुरी बात निकल गई तो उस पर गिरफ्त नहीं होती।
होगी, अल्लाह तुम्हारा कला मुआफ़ज़ा नहीं करता। कितनी बात कह, कितनी बड़ी बात कह गए, शिर्किया जुमला बोल गया। मैं तेरा माबूद, तू मेरा बंदा, मारे खुशी के बात को उलट देता है। ये खुशी की इंतहा बताई जा रही है। तो जितना खुश ये आदमी होता है, ऊंट को मां अपने सामान के पा करके, ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की तौबा पर खुश होता है जो बंदा गुनाहों के मैदान में आगे जा करके अल्लाह की ताअत की तरफ पलटा है। अल्लाह तबारक व ताला को तौबा बहुत पसंद है। अब आप एक सवाल करेंगे, उस सवाल को हल कर लेते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। शबाब है कर लो खताएं जी भर के, अभी शबाब है कर लो खताएं जी भर के, फिर इस मकाम पे उम्र रवा मिले न मिले, बूढ़े होंगे मस्जिद पकड़ लेंगे, बूढ़े होंगे मस्जिद पकड़ लेंगे। अभी तो हाथ पैरों में जान है, जवानी है, ऐश कर लो। अल्लाह फरमाता है तौबा कबूल नहीं होगी, गुनाह करने के बाद करीब तौबा करो। तुम्मा यतूबून मिन करीबी, करीबी तौबा करो, इस भरोसे में न रहो कि जिंदगी तुम्हारे साथ वफा करेगी, इसलिए कि अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं है। अगला पल शायद तुम्हारी मौत का पल हो, तुमने कैसे यकीन कर लिया कि अभी जवान है हमका जवान को मौत नहीं आती, बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं तौबा के लिए। अल्लाह फरमाता है तौबा ऐसे लोगों की अल्लाह कबूल करता है जो गुनाह करने के बाद सुम्मा यतूबून मिन करीबी, करीब तौबा कर लेते हैं। फौलाए यतूबू वाले अल्लाह उनके ऊपर अपनी नजरे करम फरमाता है, तौबा कबूल कर लेते हैं। तो जल्दी तौबा कर लेना चाहिए, जल्दी तौबा कर लेना चाहिए, अगले लम्हों के इंतजार में तौबा को नहीं टालना चाहिए। और देखो एक कॉल किसी फिलोसफर का मैंने पढ़ा है, सेम शॉर्टकट है, 24 घंटे का डायरेक्ट। गलतियों पर सरकशी का इजाफा न करो, गलतियों पर सरकशी का इजाफा न करो, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ गलती काबिले मुआफ़ी है, सरकशी काबिले मुआफ़ी। गलती और सरकशी फर्क है, गलती बाई चांस हो जाए गुनाह हो गया, फिर गुनाह हो गया, चलो फिर गुनाह हो गया, ये गलती है। सरकशी किसे कहते हैं? आदमी बराबर वो काम करता रहे, आदमी बराबर वो काम करता रहे, गलती इत्तेफाकन हो जाया करती है, बाई चांस हो जाया करती है। और जो बराबर करता रहे वो गलती नहीं है, वो तमर्रुद है, सरकशी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बता दिया है कि इंसान किसे कहते हैं और शैतान किसे कहते हैं। गलती इंसान से होती है, सरकशी शैतान से होती है। हजरत आदम से गलती हुई, फौरन तौबा की उन्होंने, ताला रब्बना ज़लमना अनफुसना वे इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। लेकिन गलती शैतान से हुई, आज तक रामे दरगाह बराबर वही गलती रिपीट कर रहा है। तो गलती करना इंसानियत है और सरकशी करना शैतानियत है। अल्लाह तबारक तआला में इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए और तौबा की तौफीक दे। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।